वेलकम बैक वंस अगेन नौकरीखबर.com ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आ चुकी साल 2022 के लिए नई सीधी भर्ती के बारे में। दोस्तों, पीएनबी की तरफ से भर्तियों के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ साथ ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए लिंक भी एक्टिवेट कर दिए गए हैं। अगर आप लोग केवल और केवल कक्षा 10वीं या 12वीं पास हैं और पीयून की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, साल 2022 के अंदर पीयून की पोस्ट पर परमानेंट सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं पीएनबी बैंक के अंदर, तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ आ चुकी है। दोस्तों, अगर आप लोग एक बार किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेते हैं और आपके पास हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है, तो आगे आने वाली उस डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए आप लोग अप्लाई करके अपर लेवल की पोस्ट भी पा सकते हैं। इसीलिए आप लोग आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरी आखिरी तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के अंदर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करके दिखाऊंगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा और साथ में फाइनल आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर के, कैसे फिल करके, कहाँ पे सेंड करना, इसके बारे में भी जानकारी देने वाला हूँ। इसके अलावा आपका एलिजिबिलिटी कंडीशन, क्राइटेरिया और एज लिमिट, साथ ही साथ यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फीस बिल्कुल फ्री है, पहले ही बता देता हूँ। वेतन क्या रहेगा आगे हम डिस्कस करेंगे, इसीलिए आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो आपके काम की लगे तो इस वीडियो को अभी आप लोग एक लाइक कर दें और आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी को इस वैकेंसी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्रोवाइड कराना चाहूँगा, जिसके बाद आप लोगों के और भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। पहला नंबर तो ऑल इंडिया लेवल की जॉब आ चुकी है, यानी कि आप लोग भारत के किसी भी राज्य से अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड नंबर ये कि मेल एंड फीमेल, यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। थर्ड नंबर यहाँ पे ये है कि अगर आप लोग 10वीं या 12वीं पास हैं तो भी आप लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। फोर्थ नंबर ये कि जो आपका एप्लीकेशन शुल्क है बिल्कुल फ्री है, यानी कि आप लोग निःशुल्क फॉर्म को भर के सेंड कर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी मिनिमम एज है आवेदन करने की, यानी कि कम से कम वो 18 साल की रखी गई है, यानी कि 18 साल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा और जो भी जानकारी है, जैसे कि आखिरी डेट की बात करें तो फरवरी की है, फरवरी 10, 2022 तक आप लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आपके पास लगभग यहाँ पे एक दो हफ्ते का टाइम बचा हुआ है, तो आप लोग जरूर से आवेदन फिल कर दें। तो चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। तो दोस्तों, हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे भर्ती हेतु सूचना है पंजाब नेशनल बैंक और यहाँ पे इंग्लिश में। साथ में अगर आप लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारी जानकारी प्रोवाइड कराई गई है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आपको भर के सेंड करना होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी बताई गई है, कौन सी पोस्ट के लिए वो भी बताया गया है, तो आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे, आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे HD क्वालिटी के अंदर। शैक्षिक योग्यता की बात करेंगे, आप लोग फिल करेंगे, यहाँ पे दिया गया है न्यूनतम एंड अधिकतम जो है, तो यहाँ पे आपका 10वीं 12वीं पास बोला गया है। इसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे, आयु बताई गई है 1 जनवरी 2022 से कम आपकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ से और नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे जो है तो आयु सीमा में छूट बताई गई है, 5 साल का ST/ST के लिए, 15 साल का यहाँ पे दिया गया जनजाति के लिए और जो शारीरिक अपंग है, और यहाँ पे अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, यहाँ पे पिछड़ी जाति के लिए 3 वर्ष का। ऐसे ही आप लोग पूर्व भू सैनिक के लिए भी चेकआउट कर सकते हैं। अगर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की बात करें, जनरल यानी कि अनारक्षित के लिए, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST/ST के लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, और आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद आवेदन का प्रारूप आ जाता है यहाँ पे आपके सामने, इट मीन्स कि आपका आवेदन पत्र यहाँ पे ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए, पंजाब नेशनल बैंक में अधीनस्थ वर्ग के अंतर्गत पीयून यानी कि चपरासी के पद हेतु आवेदन पत्र आ चुके हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्पेस दिया गया है फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इट मीन्स कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ अटैच करनी होगी। इसके बाद यहाँ पे खुद का नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे, पति का नाम डालेंगे, और इसके बाद जन्म तिथि है, शैक्षिक योग्यता है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी योग्यता क्या है, श्रेणी है सामान्य, अनुजाति यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC, EWS जो कि नया कोटा है, और इसके बाद यहाँ पे रोजगार कार्यालय का नाम जहाँ पंजीकृत हो, पंजीकरण यहाँ पे जरूरी है, टेलीफोन या मोबाइल नंबर जरूर डालें, और अपना एक जो है तो पत्र व्यवहार का पता जरूर डालें। अभ्यर्थी के यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे, हस्ताक्षर करके आपको इसको सेंड करना होगा, इसका एड्रेस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। वैसे आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, यहाँ पे पिन कोड वगैरह आपको दिया गया है, यहाँ पे गौर करिएगा, आपको यहाँ पे सेंड करना होगा। इसके अलावा जो है तो आवश्यक के अंदर यहाँ पे कुछ दिया गया है, आप लोग इसको जरूर रीड करिएगा, और इसके अलावा आपको जो है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जो कि आगे आपको बताई जाएंगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से आ चुकी नई भर्ती 2022 के बारे में, जहां पर बिना किसी परीक्षा और इंटरव्यू के केवल और केवल मेरिट लिस्ट के आधार पर आप सभी का सिलेक्शन किया जाएगा। इसके अलावा मेल एंड फीमेल यानी कि महिला और पुरुष दोनों कैटेगरी के कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। केवल यहाँ पे अगर आप लोग 10वीं या 12वीं पास हैं तो आप लोग आवेदन फिल कर सकते हैं, और आवेदन करने की आखिरी डेट 10 फरवरी 2022 की है। आवेदन आपको ऑफलाइन करने होंगे, जिसका फॉर्म मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। चलिए चलते हैं आज के अपने मेन टॉपिक और ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहाँ पे चल के आपको सारे के सारे इम्पोर्टेंट लिंक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। दोस्तों आपको आवेदन करने का, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का और बाकी सारी डिटेल में जानकारी देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और आप लोग जहाँ पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूंगा, तो क्लिक करके इस पेज पे आ पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आप लोग देख सकते हैं PNB बैंक पीयून पोस्ट ऑफलाइन फॉर्म आ चुके हैं 2022 के लिए। इसके अलावा आप लोग यहां पे भी चेकआउट कर सकते हैं, अधिक जानकारी के लिए linkworking.org पे आप लोग चले जाइएगा। इसके बाद वैकेंसी डिटेल है, जहां पे आप लोग देख पाएंगे वेरियस नंबर ऑफ वैकेंसी यहां पे आ चुकी हैं। इसके बाद आपको पीयून की पोस्टें मिल जाएंगी, और इसके बाद बात करें अगर इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में, फॉर्म भरे जाने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, इसकी आखिरी डेट 10 फरवरी 2022 की रखी गई है। इसके बाद यहाँ पे आपकी एज है जो कि कम से कम 18 साल की होनी चाहिए, और आपको यहाँ पे इनके बैंक के रूल के हिसाब से छूट भी दिया जाएगा। SC ST के लिए 5, OBC के लिए 3 और फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए यहाँ पे 15 सालों की उम्र में छूट रखी गई है। अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें बिल्कुल फ्री है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट क्यों ना हो। देन यहाँ पे आपको टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब टूडे की लिस्ट मिल जाएगी, आप लोग क्लिक हेयर पे क्लिक करके जिस किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल होंगे आवेदन कर पाएंगे। उसके बाद यहां से नीचे आएंगे आपको ऑर्गेनाइजेशन मिल जाएगा जो कि PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक होने वाला है। इसके बाद वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, आप लोग यहां पे चेकआउट कर सकते हैं कौन कौन से राज्यों से आप लोग आवेदन फिल कर पाएंगे। इसके बाद वेतन आपको इनके रूल के हिसाब से ही दिया जाएगा। एजुकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका मैट्रिकुलेशन और इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसके बाद कैसे आप लोग आवेदन कर पाएंगे, तो आपको ऑफलाइन 10 फरवरी 2022 तक आवेदन फिल करने होंगे। बात करें कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स मिलेंगे, आपको आ जाना है linkworking.org की वेबसाइट पे, क्योंकि यहाँ पे आपको काफ़ी डिटेल में अपडेट प्रोवाइड कराया गया है। इसके बाद आपको यहाँ से नीचे आना है, नीचे आने पर आप लोग देख पाएंगे कि आपको इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आने के बाद आपको जो है तो यहाँ पे जो क्लिक हेयर की बटन है एक बार क्लिक करना है। इसके बाद क्रोम ब्राउजर के अंदर अपना जो नोटिफिकेशन फॉरम है उसको ओपन करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड की बटन दिखेगी, आप लोग इससे डाउनलोड भी कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने फिर से क्रोम आएगा और इस पर क्लिक करेंगे और आपका नोटिफिकेशन डाउनलोडिंग में लग जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आप लोग इसको ओपन कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। आप लोग देखिए कि नोटिफिकेशन और प्लस यहाँ पे इसी के साथ फॉर्म भी ओपन हो चुका है। अभी आपको इसको डाउनलोड करना होगा, मैंने प्रोसेस बता दी है, और कोई भी अगर डाउट होता है तो आप लोग जो है तो कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करें। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।